नमस्कार, प्राइम अपडेटिंग तुमचं योकार आहेत. आमच्या वांगडा असा जे क्लासिक पॉवर लिफ्टिंग चॅम्पियनशिप आणि सिनियर्स अँड मास्टर्स झाले जे नागपूर 16 ते 13 ते 16 ऑक्टोबराक, आणि या हेतून जे गोवाक रिप्रेझेंट केले त्यांचे जे प्लेयर्स असा ते आमच्या वांगडा असा, त्यांच्यानी गोव्या खातीर गोल्ड मेडल हाडल्या, ब्रॉन्झ मेडल हाडल्या. सो आज आम्ही यांच्या वांगडा इंटरॅक्शन करूया, त्यांचे एक्सपिरियन्स जाणून घेऊया, त्यांना सपोर्ट कोणीन केलो, त्यांचे ट्रेनिंग सेशन कसे आले हे सगळं जाणून घेऊया. सो आता हांव फस्ट जाऊ वयता आमच्या हातून जो असा गोविंद घोष, ज्यांनी नॅशनलचा वचून गोवाक रिप्रेझेंट करून जो नॅशनल रेकॉर्ड असा तो ब्रेक केलो असा, जो बेंच प्रेस असता तितून आणि गोल्ड मेडल हाडलेलो असा गोवा खातीर. सो आम्ही आज त्याच्या वांगडा इंटरॅक्शन करूया. नमस्कार. सो आपने जब गोवा को रिप्रेजेंट किया नेशनल्स में जाके तो आपको कैसा प्राउड फील हुआ? बहुत प्राउड फील हुआ कि जब मैं नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया तभी अच्छा प्राउड फील हुआ मेरे को. मतलब गोवा से कभी भी मतलब नेशनल रिकॉर्ड कोई ब्रेक नहीं किया, तो मैंने ट्राई किया था तो मैं उसमें सक्सेसफुल हुआ, मेरे को अच्छा लगा, बहुत प्राउड फील हुआ. जब आप वहाँ नेशनल्स में गए थे तो आपके ऊपर प्रेशर था? प्रेशर कंपटीशन का प्रेशर था, मतलब क्या होगा क्या नहीं, बस उतना ही प्रेशर था. और बहुत दूर था जाने के लिए भी, हम लोग बहुत दूर था, वो मतलब नागपुर से भी और दूर था, तो प्रेशर मतलब हम लोग जाके रुकना भी पड़ा, बहुत स्ट्रगल करके जाना पड़ा, 9 तारीख को निकलना पड़ा हम लोग को पहुँचने के लिए कंपटीशन के लिए. तो और जब गोवा में जब आप ट्रेनिंग लेते हो तो बाहर जाते हो तो वहाँ के जो प्लेयर्स होते वो प्लेयर्स को देख के जब आपके ऊपर के बहुत सारे टूर्नामेंट खेल के आए हुए जब प्लेयर आपको सामने दिखाई देते तो आपको कैसा लगता है? मतलब जब आप उनके फाइट करने के लिए सोचते हो तो मन में क्या चलता है आपके? मैंने लास्ट टाइम भी गोल्ड लाया था, मैंने नेशनल में ही बेंच प्रेस में लास्ट टाइम भी गोल्ड लाया था, जूनियर में था, तो मैं लास्ट टाइम भी ट्राई किया था मैंने नेशनल लेकर ब्रेक करने के लिए, तो मेरे से नहीं हुआ लास्ट टाइम, लेकिन ये बार मैंने ट्राई किया तो उसमें सक्सेसफुल हुआ. और ये लोग भी मतलब सब लोग अच्छे ही मारते हैं, सब लोग अच्छा ये करते हैं, वो लोग भी अच्छा करते हैं. मैं भी मेरा बेस्ट ट्राई किया, मैंने गोल्ड लाया, मैंने प्राउड फील. सो जब नेशनल ब्रेक करना है तो उसे बहुत हार्ड वर्क लगता है, बहुत प्रैक्टिस लगते हैं, तो आपकी ट्रेनिंग सेशन के बारे में बता, आपने कहाँ से ली ट्रेनिंग, कैसे करते थे, दिन का आपका शेड्यूल क्या था? मैं इधर वास्को में रहता हूँ, तो ट्रेनिंग रूम बोल के जिम है, तो हम लोगों का मतलब मैं लास्ट टाइम जब भी जिम मतलब ट्रेनिंग रूम से मतलब जीता था, मैंने लास्ट टाइम गोल्ड लाया तब से हम जिम भी फ्री किया है, और वो बहुत सपोर्ट करते हैं हमारा जो जिम का जो ओनर भी है मेलकम, तो बहुत सपोर्ट करते हैं हमको. मतलब कुछ भी मतलब जिम बंद भी रहेगा तो हम लोगों के लिए कभी बंद नहीं, रात की कभी भी मतलब हेल्पफुल है बहुत, तो हमको बहुत हेल्प किया है वो जिम और सेशन. मतलब मेरे को बेंच प्रेस मतलब बहुत पसंद है पहले से, मैं गोवा में पहला ट्राई करता था, बाद में नेशनल में गया मैं, तो बाद में मैंने नेशनल रिकॉर्ड भी ब्रेक किया है मैंने, तो मेरे को पहले से बेंच प्रेस पसंद है बहुत, मेरे को बेंच प्रेस ही पसंद है मेरे को. तो कब से आपने बेंच प्रेस करना स्टार्ट किया? मैंने चालू किया बेंच में, जिम स्टार्ट किया मैंने 3-4 साल हुआ है, और बेंच प्रेस में आया हूँ मैंने 1.5 ईयर हुआ मेरे को, 1.5 ईयर में मैंने इतना किया है, मैंने गोवा में भी रिकॉर्ड किया है मैंने बेंच में. तो कब से प्रैक्टिस, मतलब दिन भर प्रैक्टिस नहीं है, मैं जिम को जाता हूँ ऐसा 7 to 9, ऐसा काम होने के बाद 7 to 9 जिम, बाद में जो डाइट है वो फॉलो करता हूँ हम लोग. ओके, तो मतलब जो दिन का 2 घंटा आपका प्रैक्टिस सेशन? 2 घंटा प्रैक्टिस रहता है हमारा. तो आप डाइट के बारे में कुछ बताएंगे ऑडियंस के लिए ताकि उनको भी कुछ इंस्पिरेशन मिल जाए? तो डाइट मतलब अभी मैं सुबह मतलब ऐसा ओट्स भी, ओट्स ब्लैक कॉफ़ी, एग्स हो गया दिन में ऐसा 7 to 8, बाद में बनाना हो गया 1-10, बाद में बॉयल चिकन रोज़ का शेड्यूल रहता, और काफ्स बाद में वो चावल हो गया, काफ्स लोड करते हैं बस, और प्रोटीन भी है, प्रोटीन क्रिएटिन ये सब लेता हूँ. आजकल के यूथ में ना एक कॉमन चीज़ होती है कि फास्ट फूड, तो आप जो फास्ट फूड खाने वाले उनके लिए क्या एडवाइस दोगे, मतलब क्या अवॉइड करना चाहिए अगर हेल्थी रखना है बॉडी को, तो उसमें क्या अवॉइड करना चाहिए बता सकते हो? वही फास्ट फूड तो अवॉइड करना ही है, अगर कंपटीशन में आए हो तो, अगर जिम वो फील्ड में है तो फास्ट फूड अवॉइड करना ही पड़ेगा. फास्ट फूड हो गया, सिगरेट हो गया, मतलब अल्कोहल ये सब तो यूज़ नहीं करना है, तो आगे ग्रो नहीं कर पाओगे, तो मतलब जो स्ट्रेंथ हो जाएगा वो गिर जाएगा, वो स्ट्रेंथ इम्प्रूव नहीं होगा. सो असले गोविंद घोष ज्यांनी नॅशनल्सचा रेकॉर्ड ब्रेक केला आणि गोवा गोल्ड मेडल हाडलेले असा, तसेच आज आमच्या वांगडा असा दुसरे सूरज यादव ज्यांच्यानी 120 कॅटेगरीन ब्रॉन्झ मेडल हाडलेलो असा, सो त्यांच्या वांगडा जाणून घेऊया. नमस्कार. नमस्कार. तुमका आज कसं फील जाता? अच्छा फील हो रहा है, थर्ड मारा हूँ, मेरा नाम सूरज यादव है, तो बहुत टफ था कॉम्पिटिशन, और क्या है कि पैर में भी इंजरी हो गया, उसकी वजह से मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाया, तो
थर्ड प्लेस मिला है के लिए। तो जब अगली बार जब कोई टूर्नामेंट में जाएंगे तो ऊपर आने की कोशिश करोगे? हाँ ज़रूर, इस बार मुझे गोल्ड का चांस था मेरे को और मैंने डेड में नहीं दे पाया, मेरा पैर इंजरी की वजह से तो मैंने डेड में नहीं दे पाया, इसके लिए मेरे को गोल्ड मेरा चुक गया, तो इस बार मुझे ब्रॉन्ज मिला है। तो कितना मतलब कितने बार आपने टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया? ये मेरा सेकेंड थर्ड कुछ है, तो गए बार भी मुझे कुछ ब्रॉन्ज मिला था, तो इस बार मैं बहुत तैयारी करके गया था लेकिन मुझे जाने से एक वीक पहले मेरे पैर में इंजरी हो गया, मसल टैर हो गया था मेरा, तो इसकी वजह से मैं दूसरे इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, तो खाली बेंच में मुझे ब्रॉन्ज मिला है। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन आपको मैं पूछना चाहूँगा कि जब आप ऐसे नेशनल्स में जाते हो तो प्लेयर्स होते हैं, कोचेस होते हैं, उनके अलग डाइट फॉर्म होता है, अलग प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, उनका शेड्यूल ही डिफरेंट होता है। अगर वो अगर देखो मतलब उनका बाद में क्लाइमेट का भी इशू होता है, जब इंसान जब ग्रो करता है, तो उस हिसाब से गोवा को आप कैसे रखेंगे? हिसाब से तो मुझे उतना ये नहीं है, हम लोग को कोई इतना कोचिंग कोई देने वाला नहीं है, हम लोग खुद अपने आप ही यहाँ पे प्रिपेयर होते हैं, खुद जिम मारते हैं, कोई ये नहीं करता है, तो जितना हो सके अपने हिसाब से हम लोग रेडी होके गए थे, क्यों हमारा कोई पर्सनल कोच वगैरह कुछ नहीं है। तो आपने कहा कि आपका कोच नहीं है, अगर कोच बिना कोच के अगर आप ब्रॉन्ज मेडल ला सकते हो, अगर आपको कोच मिले, एक डायरेक्शन देने वाला कोई इंसान मिले जो सपोर्ट करे, तो आपको लगता है कि गोवा का जो स्पोर्ट्स है ऊपर चला जाएगा? हाँ जा सकता है, फिर भी हमें आशीषन वाला अपना PI पावर लिफ्टिंग इंडिया है, उन लोग सपोर्ट करते हैं अपने को, और अपना जो जिम ओनर है ट्रेनिंग रूम वाला वो भी ट्रेन मतलब होता है उतना मतलब सब सपोर्ट करते हैं, तो उसके हिसाब से चल रहे, देखते हैं आगे क्या होता है, अपना बेस्ट दे रहे हैं 100%। तो आप चाहोगे कि गवर्नमेंट इसके लिए एक कोच दे ताकि आपके जैसे जो प्लेयर्स ऐसे उनको भी कुछ डायरेक्शन मिले या फिर उनको भी ट्रेनिंग मिल सके जो अच्छी तरह से ऊपर आ सके? हाँ गवर्नमेंट से तो चाहिए हमें, क्योंकि हमें एक एक कंपटीशन में रेडी होने में 40-50,000 स्पेंड करना पड़ता है, और हम लोग उतना ये नहीं, फाइनेंशियल इतना स्ट्रांग नहीं है हम लोग तो, और हम लोग खुद ट्रेन में जाते हैं, हमें बहुत प्रॉब्लम होता है वहाँ पे डाइट वगैरह मतलब फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम होता है, और हमें कुछ सपोर्ट मिलेगा गवर्नमेंट से तो बहुत अच्छा है। जब आप फिजिकल फिटनेस कहते हो तब मेंटेन करना इम्पोर्टेंट होता है, जो हेल्थ होता है बॉडी होती है उसे मेंटेन करनी पड़ती है, और इस मेंटेन के लिए बहुत सारा पैसा भी लगता है, क्योंकि जो प्रोटीन्स मिलता है वेज में जो खाना होता है उन सब के लिए एक पैसा लगता है, जो बाद में ट्रेनिंग लेना है उसके लिए भी पैसा लगता है, तो गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है ये कहना चाहोगे? हाँ हाँ हाँ, गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट चाहिए, हम लोग खुद अपना सेल्फ अपना पैसे से ये करते हैं और हमें बहुत प्रॉब्लम होता है उसके लिए, तो गवर्नमेंट सपोर्ट करेगा तो उसके लिए बहुत हम लोग और आगे बहुत कुछ कर सकते हैं, एशिया के लिए खेल सकते हैं, तो इसके लिए सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट। तो आपने कब से स्टार्ट किया इस स्पोर्ट्स में आने के लिए? मैं एक्चुअली मुझे 2 साल हो गया मुझे इस फील्ड में आके, पावर लिफ्टिंग में 2 साल हो गया। आपको क्यों लगा कि मैं पावर लिफ्टिंग में कुछ करना है करके? एक्चुअली पहले से मैं हैवी लिफ्ट करता था जिम में हैवी लिफ्ट करता था, तो धीरे धीरे जब फर्स्ट टाइम मैंने गोवा में कॉम्पिटिशन खेला तो मुझे गोल्ड मिला, और उसके बाद कंटिन्यू जितने बार भी खेलते गया तो मैंने रिकॉर्ड बनाते गया, मेरा गोवा में पूरा रिकॉर्ड है, बेंच डेड स्क्वाट्स हैवीएस्ट वेट लिफ्टर हूँ, 13-14 टाइम रिकॉर्ड है मेरा गोवा हैवीएस्ट वेट लिफ्टर हूँ मैं, तो उसके लिए मैं बाद में नेशनल में भी पार्टिसिपेट किया। ओके, जब आप किसी टूर्नामेंट में स्पेशल नेशनल टूर्नामेंट ले जाते हैं तब इंडिया भर के लोग आते हैं, जब आपके सामने जो प्लेयर्स आते हैं वो कभी कभी आपसे भी बड़े होते हैं और उनका फिटनेस भी बहुत अच्छा होता है, कुछ जो ऊपर के नॉर्थ साइड है उनका हाइट भी बहुत लंबा होता है, तो उनको देख के कभी नर्वस फील होता है? नर्वस तो होता है फील, लेकिन क्या करें, हम लोग अपना 100% दिए वहाँ पे, देख क्या हो ये का, हम लोग हमारे तरफ से 100% दिए वहाँ पे। तो जब अभी से आप नेशनल्स के लिए जाते हो तो कुछ सीखने को मिलता है वहाँ जाके? हाँ बहुत कुछ सीखने मिलता है, हर बार जाते हैं कुछ नया सीखने मिलता है, नया नया रिकॉर्ड भी बनता है, और हर बार हम लोग को नया मतलब इम्प्रूव इंक्रीज करना पड़ता है अपना वेट। जब हम गोवा को देखें तो गोवा में इतने सारे टूर्नामेंट होते नहीं है, तो आपको लगता है कि गोवा में अगर ऐसे टूर्नामेंट होने लगे तो जो यूथ है उनको एक रोड मिल जाए या फिर एक मोटो मिल जाएगा कि ऊपर आने के लिए स्पोर्ट्स में? गोवा में इतना कंपटीशन का ये नहीं है, गोवा छोटा स्टेट है और इतना प्लेयर्स भी नहीं है यहाँ पे गोवा में, और वही हरियाणा दिल्ली वो साइड में बहुत टफ है, वहाँ के बच्चे लोग बहुत टफ है। आणि असाच जो या टूर्नामेंटाक रिप्रेझेंट केलो सेम अशिना वांगडा वचून तो असा नामोहन सावंत, सो तेज्या वांगडा जाणून घेऊया। तुमचें नाव? आणि माझे नाव नामवंत महाबलेश्वर सावंत, हांव कुमार जोयचो। सो जेन्ना तू अशे टूर्नामेंटाक वयता व्हडल्या व्हडल्या जेन्ना प्लेयर्स आसता ते बाकीचे प्लेयर्स तुझे वांगडे आसा ते खंय तरी मेडल हाडटा, पूण तुका खंय तरी मातशें हितून चुकता,
तेना कशे माका लाइक एक्चुअली माका वाईटूच दिसोना की लाईक हांवें मेडल हाडले मेडल हाडूं ना म्हणून म्हाका फक्त पार्टिसिपेशन ते मेन आसलेले की हांव अशें वचून आसलो की लायक हांव वयतलो थंय आनी गोल्ड घेवन येतलो अशें नासलें म्हाका फस्ट टायम हांव गेला थंय हांव फक्त जाल्यार एक वर्स जाल्यार ट्रेनींग करतां थंय हांव एकूच वर्सा म्हाजें ट्रेनींग जालें चालू सो जस्ट पार्टिसिपेशन म्हाजें मेन आसलें सारकें सर तूं गेल्लो की एक एक्सपिरियन्स घेवपा खातीर की कशें कितें आसता आनी नेक्स्ट टायम जेन्ना वयतलो तेन्ना तो आपूण शिकोन वचोंक घातले की कितें करप आनी कितें ना तें सो जेन्ना असल्या टुर्नामेंटा वयता तेन्ना खुबश्यो गोश्टी आसता जे तुका लागता म्हणजे एक म्हणजे सपोर्ट लागता वयर येवपा खातीर मागीर फॅमिली सपोर्टूय आसता कित्याक हितून तर चड पयशे गांवान आसता की एक एजीन जाल्ले करून फॅमिली चित्ता की आपल्या भुरग्यांक खंय तरी जोडचो आसता घर बसचो आसता सो आपल्याचे ओन एफर्ट घालूंक वयचो पडटा गव्हर्मेंटाक मातसो सपोर्टर मेळ्ळो जाल्यार आनी मातशें बरें जातलें कित्याक आमी चड कांय जोडिना आमी एक 15,000-20,000 जोडटा तितूंतले आमकां त्या फिटनसाक आमकां भरपूर पयशे लागता खंय तरी कट मारून आमी एफर्ट घालून आमी वयर सरता गव्हर्मेंटाक आनी ते सपोर्टर मातसो मेळ्ळो जाल्यार मातशें बरें जातलें आनी सो जेन्ना तूं काम करता आनी जेन्ना तूं ट्रेनींग घेता सो ते दोनी बॅलन्स कशें करता एक्चुली म्हाजें काम हेंच हांव एक फिटनस ट्रेनर एक हांव सो म्हाजें काम हेंच हांव शिकयता भुरग्यांक हांव सो हे आसले नामन सावंत सो आमी आतां जाणून घेवया तेंच्या कडेन जेंच्यांनी हांकां सगळ्यांक सपोर्ट केला जेंच्या गायडन्सा अंडर हेंच्यांनी नॅशनल रिप्रेजेंट केल्ले जे असोसिएशन आसा हेंचे गोवा सुपर बॉडीज पावर लिफ्टींग असोसिएशनाचे ट्रेजर सर्वेश कवटनकर नमस्कार सर सो जेन्ना तुमी इतले भुरग्यांक ट्रेनींग दिता गायडन्स दिता तेन्ना ते खंय तरी मेडल हाडटा आनी तुमच्या असोसिएशनाचें नांव वयर काडटा तेन्ना आमकां खूब बरें दिसता की फायनली गोंयाच्यान पयलीं आमी पार्टिसिपेट जेन्ना करी तेन्ना गोंयांत चडशीं मॅडल लागनाशिल्लीं सो कॉम्पिटिशनूय टफ आसतालें पूण आतां हो क्रेज वाडला पावर लिफ्टिंगाचो गोंयांत क्रेज वाडता आनी भुरगीं व्हडा प्रसिद्धांत आमकां दितात आनी आमचें असोसिएशन अशें आसा की दीस इज द ओन्ली असोसिएशन इज रजिस्टर्ड इन SAG आनी ऑथरायजेशन आमकां पावर लिफ्टींग इंडिया कडल्यान सुद्दां आमकां एफिलिएशन आसा सो भुरगीं चडान चड आमकां अप्रोच करता की पार्टिसिपेट जावपाक अप्रोच करता आनी ह्या फाटी 4 जाणांनी मेळून गोल्ड म्हळ्यार मॅडलिस्ट जाले आमचे गोंयचे आनी फस्ट टायम गोंयान कोणें नॅशनल रिकॉर्ड ब्रेक केला नॅशनल रिकॉर्ड ब्रेक करप सोंपी गजाल न्ही कित्याक 1,000-2,000 सुमार भुरगीं येतात हांगा सो आमकां खूब प्रावड फील करता की फायनली आमकां गोंयान मॅडलां येवपाक लागल्या परत जेन्ना तुमी म्हटले की तुमच्या टायमार जेन्ना तुमी वयताले तेन्ना मेडल्स गावनाले आतांचे खंयचे भुरगीं मेळ जाता सो तुमच्या टायमार आनी आतांच्या भुरग्यांक कितें डिफरन्स पळयता तुमी ट्रेनिंगेन डिफरन्स पळयता काय तेंचे डेडिकेशन आसता तितून डिफरन्स पळयता तेंचो इंट्रस्ट वाडपाक लागला कमी कमी तेन्ना चड इंट्रस्ट ह्या गेमींक चड नाशिल्लो कित्याक तेंकां एफिलिएशन मेळनाशिल्लें आमकां गव्हर्मेंटा कडल्यान तितले सपोर्ट मेळनासलो पूण आतां गव्हर्मेंट हळूहळू आमकां स्टार्ट स्पॉन्सरशीप स्टार्ट करपाक लागल्या आनी लोकांकूय दिसोंक येयला पावर लिफ्टींग एक गेम एक अशें आसा आनी हितून असो हो नॉर्मल स्पोर्ट न्हू एक स्टेट सुद्दां करतलो जाल्यार आमकां एक 5-4 लाख खर्च येता सो कोणीय आमकां एक स्टेट सुद्दां ऑर्गनायज करपाक हॅल्प करपाक जाल्यार आमी मागता की गव्हर्मेंटाक अशें आमकां हें करचें फंड्स एलाव करचे तरी आमकां SAG खूब फंड्स दितात आमकां प्लस आमकां तो फंड पावना तो एक स्टेट ऑर्गनायज करपाक सो हांव लोकां कडेन कितें मागता कोणाक जर दिसता कोणाक आमकां स्टेट ऑर्गनायज करपाक दिसता सो तेणी आमकां सपोर्ट करचे की गोंयान खुबशे प्लेयर आहा की मुखार वचून गोल्ड मारूंक शकता आनी ह्या फाटी कितें जालें की आमी सारके सपोर्ट करपाक पावूंक ना की टिमीक प्लेयर्स आपले ओन हे करून बॅर करून गेल्या म्हळ्यार टीम आमी धाडूंक नाशिल्ली पूण हे जे आमकां प्लेयर आयज गेल्या आनी मॅडलां घेवन येयल्या तेंकां इंट्रस्ट आसलो की आमी वयतले आनी आमी घेवन येतले म्हणून जशें तुमी म्हटलें की गोंयान खुबशे प्लेयर्स आसा ते मेडल येऊ शकता पूण खुबशे अशेय प्लेयर्स आसा की खंय तरी गायडन्स गावना तांकां एक जो दिशा दिवपाची आसता तो कोणूय कोच गावना सो असले जे प्लेयर्स आसता तांकां एक गायडन्स दिवपा खातीर कोच दिवपा तुमकां दिसता की तुमचे जे असोसिएशन्स आसा ते आनीक वाडचे गोंयान आनी तांकां खंय तरी एक दिशा गावची अशी हय आमचे असोसिएशन कितें जाता की आमी SAG कडेन सांगतात कोच मागता पूण SAG कडेन पावर लिफ्टींग कोच कोण ना वेट लिफ्टींग कोच आसा बॉडी बिल्डींग कोच आसा ते सगळे आसा पूण आमी एक एज अ पावर लिफ्टींग तेणी आमकां असोसिएशनाक रिक्वेस्ट करूंक जाय की आमचे जे ओल्ड प्रिवियस जे लिफ्टर्स आसा तांकां अप्रोच करूंक जाय कित्याक तेय गायडन्स करून तांकां एज अ कोच म्हणून तांकां घेतले जाल्यार आमकां सपोर्ट बरो जातलो आनी भुरग्यांकूय सपोर्ट करपाक बऱ्याक पडटले जेन्ना तुमी अशें नॅशनल गेम्सीक वयता दुसऱ्या स्टेटीन वयता तेन्ना तुमी नॅशनल गेम्स पळयता तेंचे ऑर्गनायजेशन पळयता तेन्ना तुमकां दिसता की अशे जे गेम्स ऑर्गनायज करपी आसा ते खंय तरी गोव्यांनी ऑर्गनायज जावचे भायरचे लोक गोव्यान येवचे आनी गोव्यातल्या भुरग्यांनी ती गेम्स पळयचे आनी तेंच्यांनी तेंचे कडसून एक मोटिवेशन घेवचो कसो हय गव्हर्मेंटान आमकां तोय सपोर्ट केला आमी आतां करीत करीत 2-3 नॅशनल गोंयान ऑर्गनायज करून जाल्या
गेली 2012 आम्ही ऑर्गनाइज करीत आ लास्ट इयरच आम्ही नॅशनल बेंच प्रेस घेतलेले त्यांना 1300 भुरगे येले गोयात. सो जेव्हा तुम्ही असे प्लेयर्स असता ज्यांना फिटनेसा खातीर ट्रेनिंग घेऊचे पडतात त्यांना डायट इम्पॉर्टंट असता काही गोष्टी असतात की त्यांच्या ते करचे असताना फॉर एक्झाम्पल त्यांनी म्हटलं की स्मोकिंग करचे न्हू अल्कोहोल करचे न्हू फास्ट फूड खावचे न्हू. सो जेव्हा तुम्ही असले प्लेयरांनी ट्रेन करता त्यांना ती डायट सांभाळपा खातीर तुम्ही कसे मोटिव्ह करता? भुरगे आता ह्या फिल्डान येता म्हणजे जिमान जॉईन झाले ते सगळे डायट मेंटेनन्स करता फक्त हितून किती एक्स्ट्रा खावचे पडटा. आमकां बॉडी बिल्डरा भशेन कटिंगा वचोंक कोता येना स्ट्रीक्ट डायट म्हणजे कमी प्रोटीनचं पण कमी काप्स खावप हे आमकां कोता येना कारण आमकां पाव ही पावराची गेम सो पावर जाय पडटा आणि आम्ही एका भुरग्यांक सांगतात कसे किती हे करपाक आणि आम्ही ट्रेनिंग दिवपाक सुद्धा आम्ही स्वतःचे ओन पैसे म्हणून आम्ही ट्रॅव्हल करतात भुरग्यांक खंयचेय ट्रेनिंग जाय खंय जाय गरज पडटा जाल्यार आम्ही ट्रॅव्हल करतात. सो आता तुमच्या असोसिएशन कितले असे प्लेयर्स असतात जे ट्रेनिंग घेतात जे फुडें नॅशनलचा रिप्रेझेंट करू शकता? आता करंट आमचे स्टेटी कडेन 100 जाण भुरगे असतात जे प्रिपेरेशन करतात की ते मेडलाक लागून खेळतात सगळे कॅटेगरीन आणि आमचा सब ज्युनियर ज्युनियरान भुरगो शिवम मोहिते म्हणून तोय बरो डेडलिफ्ट मारता सध्या इन फ्युचर त्याका पार्टिसिपेट करपाक गव्हर्नमेंटान जर बरो सामको सपोर्ट केलो जाल्यार तें भुरग्यांक मुखार सरपाक आमकां बऱ्याक पडटलें. ओके हे असले सर्वेश कवटनकर जे ट्रेजरर असा गोवा पावर सुपर बॉडीज पावर लिफ्टिंग असोसिएशनचे. आता आम्ही या दीपा वर्माकडे जे नाव कॉमन असा नवीन कोय न्हू ज्यांच्यानी गोवा खूप रिप्रेझेंट केला खूप मेडल्स हाडलेले असा प्राऊड फील केले असा. सो दीपा वर्मा आमच्याकडे असा मॅम जब आप कोई असोसिएशन आपको ऐसा सपोर्ट करता है तो आपको लगता है कि ऐसे असोसिएशन और होने चाहिए? ऐसे असोसिएशन मैं जब से पार्ट ले रही हूँ हमारा जो एसोसिएशन है उनके अंडर में ही कर रही हूँ गोवा सुपर बॉडीज पावर लिफ्टिंग जो एसोसिएशन है और उनसे ही हमें जो भी सपोर्ट मिल रहा है वो बहुत है. और ये एक एफिलिएटेड एसोसिएशन है जबकि गोवा में और कोई एसोसिएशन ऐसे एफिलिएशन के साथ है नहीं. तो बट यहाँ पर हमें क्या है कि हमारे जो एसोसिएशन से हमारे जो सर्वेश कोठांकर है वो हमें ट्रेनिंग देने के लिए बहुत दूर से ट्रैवल करके आते हैं जब भी ज़रूरत पड़ता है. हम जब वैसे हमारा जिम जो है वो भी हम पावर लिफ्टर्स जो आसपास रहते हैं सबके लिए हमने अवेलेबल उस समय कर दिया है कि जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है हम सब इकट्ठा होते हैं और सर्वेश जी को बुलाते हैं तो वो आते हैं. कभी भी उनका सपोर्ट पीछे नहीं रहा है. बट अगर हम मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी से जब हम इस बारे में बात करते हैं तो वहाँ से पता चलता है कि ये वेट लिफ्टिंग के लिए है बट पावर लिफ्टिंग के लिए स्पेसिफिक कोई यहाँ पे ट्रेनर नहीं है. इन द सेंस जो सिर्फ पावर लिफ्टिंग के टेक्निक्स वगैरह सब अच्छी तरह सही ढंग से हमें समझा सके तो वो एक लैकिंग है. हमें गवर्नमेंट की तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि हमें अलॉट कर दे एक पावर लिफ्टिंग के लिए एक कोच स्पेसिफिकली पावर लिफ्टिंग की क्योंकि वेट लिफ्टिंग के और पावर लिफ्टिंग के टेक्निक्स थोड़े अलग हैं. अगर हम यही ट्रेनिंग अगर हम वेट लिफ्टिंग कोच से लेते हैं तो थोड़ा अलग हो जाता है ना उसके टेक्निक्स थोड़े अलग हैं. तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी से कि हमें एक स्पेसिफिक पावर लिफ्टिंग कोच ही अलॉट करें. So, दो सेपरेट कोच जो उस गेम में मायने हाँ मायने रखते हैं क्योंकि पावर लिफ्टिंग इज टोटल डिफरेंट थिंग देन दिस. बहुत डिफरेंसेस है स्टांस में डिफरेंसेस होता है बहुत कुछ टेक्निक्स अलग होता है तो हम यूज टू हो जाते हैं एक चीज़ को. तो हमारा जो है वो पावर लिफ्टिंग है तो हमें पावर लिफ्टिंग के लिए ही एक स्पेसिफिक कोच चाहिए. और बहुत सारे मेंबर्स हैं जो लोग पावर लिफ्टिंग करते हैं. आज गोवा में देखे जाए तो जो पार्टिसिपेंट्स पार्ट लिए थे 500 से भी ऊपर है गोवा में ही ऑलमोस्ट अगर मैं गलत नहीं हूँ तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है बट हाँ इन दिनों जो देख रही हूँ लड़कियाँ लड़के बहुत सारे हैं तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं अलग अलग जगह से आते हैं तो बहुत सारे हैं. तो हमें कोच की बहुत ही ज़रूरत है क्योंकि सर्वेश जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर करके अपना काम वाम छोड़ के जब आना पड़ता है उनके लिए भी एक बहुत बड़ा एफर्ट है ना वो पर फिर भी कभी ना नहीं करते. यांच्यानी गोवा रिप्रेझेंट केला नॅशनल गेम्सांनी खंय तरी मेडल्स हाडल्या आणि गोवाचे नाव वयर काढलेले असा. सो असेच आम्ही प्लेयर्स घेऊन येतले जे गोवाचे नाव नॅशनल्साचे किंवा इंटरनॅशनल लेवलाचे वयर काढतात आणि गोवाक प्राऊड मुवमेंट फील करून देतात. पवित्र हवा प्राईम.